नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में आपसे विशेष चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत एक सुनिवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षण। इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के हिंदी विषय के कक्षा 5 के पाठ क्रमांक 5.8 एवं पाठ का नाम अपनापन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार का इस पाठ के साथ सम्मिलित करके हम किस प्रकार से कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो आप इसकी समय सीमा को विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरे नवाचार की क्रियान्वयन बताने जा रहा हूं। इससे पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके गृहकार करवाया जाता है और पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को विकसित करने में भी सहायक होता है, एवं जो कॉन्सेप्ट निर्धारित किया जाता है उसको भी लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से इस नवाचार को हम देखेंगे कि आखिर कक्षा में क्रियान्वयन करें कैसे और इसके लिए शिक्षक को क्या क्या पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सभी विद्यार्थियों द्वारा इस पाठ को पढ़ लिया गया हो, इसके कॉन्सेप्ट का निर्माण भी कर लिया गया हो, तभी जाके इस नवाचार को क्रियान्वयन करना संभव होता है, तभी वह इस गृहकार को पूरा भी कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गृहकार के दौरान देखा गया है कि कुछ ही विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गृहकार व्यवस्थित तरीके से करके आते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कक्षा में आने के बाद गृहकार करते हैं, एवं कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो गृहकार ना करने का सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे विद्यार्थियों में आई हुई नीरसता को हमें दूर करने के एक मनोरंजकता और उत्सुकता की भावना जो है उत्पन्न करनी है, ताकि वह गृहकार बड़े ही मनोरंजक तरीके से करें, व्यवहारिक तरीके से करें, एवं गृहकार को कभी भी मिस ना करें या गृहकार ना करें ऐसा ना हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नवाचार के जरिए हम कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में एक उत्सुकता लाने का प्रयास करेंगे, मनोरंजकता लाने का प्रयास करेंगे, एवं यह भी प्रयास करेंगे कि सभी विद्यार्थी इस गृहकार को करने में तैयार या गृहकार करने के लिए तैयार हों। तो बात करेंगे इससे पूरे नवाचार की। तो जैसे ही कक्षा में सभी विद्यार्थी आते हैं, तो शिक्षक को कुछ एक डिजाइनर नोट तैयार करना होता है अपनी तरफ से, जिस डिजाइनर नोट में एक तालिका भी बनी होती है। चूंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वह है सृजनात्मक लेखन, यानी सृजनात्मक लेखन को ध्यान में रखते हुए उनको गृहकार दिया जाएगा। उस तालिका को या फिर शिक्षक चाहे तो ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं, जिससे कि विद्यार्थी अपनी कॉपी पर उसको अंकित कर लें, या फिर शिक्षक को एक प्रति लेकर आनी होगी सभी विद्यार्थियों के लिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को घर के लिए वह गृहकार मिल सके। और सभी विद्यार्थियों को बता दिया जाता है कि सभी विद्यार्थी अपने अपने अभिभावक की मदद से ही यह गृहकार करेंगे और अपने व्यवहारिक तरीके से इसमें लिखेंगे, यानी उनको इस नवाचार को करने के लिए मदद सबकी चाहिए, लेकिन जब वह गृहकार उस तालिका को भरेंगे तो वह अपने व्यवहारिक तरीके से भरेंगे। तो कहीं ना कहीं उनमें एक नएपन की भावना आएगी कि कुछ नया हमें काम मिला है और यह हमें करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तालिका में किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी और किस प्रकार से विद्यार्थी लिखेंगे। तो घर जाकर अपने अभिभावकों, मम्मी पापा चाचा चाची जो भी उनके घर में रहते हों, उनसे उनके प्रिय मित्र की कहानी सुनेंगे, यानी उनके कोई दोस्त के बारे में कहानी सुनाएंगे विद्यार्थियों को, क्योंकि विद्यार्थियों को कहानी सुनने का बड़ा ही शौक होता है। तो कहीं ना कहीं वो कहानी सुनेंगे, फिर विद्यार्थी उस कहानी को अपने शब्दों में इस प्रति में लिखकर लेकर आएंगे, और अभिभावक ये सुनिश्चित करें कि उन्होंने कहानी लिखकर शिक्षक को अगले दिन दी है। तो इस प्रकार से इस तालिका में ऊपर विद्यार्थी का नाम रहेगा, नीचे लिखेगा प्रिय मित्र, यानी प्रिय मित्र के बारे में वह अपनी कोई भी कहानी लिखकर लेकर आएगा, जो कि उसके व्यवहारिक तरीके से ही होगी और जो उसने सुना होगा अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करेगा, और उसी प्रकार की कहानी वह अपने दोस्त के बारे में भी लिख सकता है। तो इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा,
तो मैं आशा करता हूं कि यह नवाचार आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIAI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसके पेज को लाइक जरूर करें ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देखें एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इसको क्रियान्वयन जरूर कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।